ये कोई जहाज नहीं है, ये है पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन एसी पार्लर, जिसमें मैं ट्रेवल करने वाला हूँ लाहौर से हैदराबाद के लिए सिर्फ 9,250 रुपए में। लेट्स सी हमारे एक्सपीरियंस कैसा है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मोस्ट लग्जरी ट्रेन का रिव्यू। ये RHS की तरफ से इनका दूसरा चैनल है शपैक गैंग, लाहौर टू हैदराबाद। ये हैदराबाद जा रहे हैं, मतलब शायद सिंध में है या पंजाब में, यार मेरे को कन्फ्यूजन है। लाहौर का तो पता है पंजाब में, लेकिन हैदराबाद सिंध में या पंजाब में, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी अपन देख ही लेते हैं, इसमें हो सकता है पता चली जाए, देखते हैं अभी वो। ये कोई जहाज नहीं है, ये है पाकिस्तान की सबसे लग्जरी ट्रेन ग्रीन लाइन एसी पार्लर, जिसमें मैं ट्रेवल करने वाला हूँ लाहौर से हैदराबाद के लिए सिर्फ 9,250 रुपए में। लेट्स सी हमारे एक्सपीरियंस कैसा है। फर्स्ट टाइम देखने वाले भाई लाहौर का स्टेशन। यहाँ पे पहुँचने के बाद अभी सीन जो है वो मतलब बड़ा निज़ाम हैवी है। मैंने लास्ट ट्रेवल कुछ 1.5-2 साल पहले शायद कराची गया था मैं ट्रेन पे, तब भी ये चीज़ें थी इस तरह, लेकिन अभी जिस तरह ये ट्रेन हमारी पीछे आई हुई है ग्रीन लाइन। भाई पॉज करके बोलना चाहूँगा, मेरे को लाहौर का स्टेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा यार। मतलब मैंने बहुत पहले भी देखा था और तब भी मुझे बहुत पसंद आया था। देख कितने लंबे लंबे फैंस लगे ना मुझे वो, और ऊपर से भी पूरा कवर है। ये मुझे ना हैरी पॉटर मूवी में मैंने रेलवे स्टेशन देखा था, उस टाइप का लग रहा है मुझे। है ना, प्लेटफॉर्म नंबर 9211 क्या था वो? इसी टाइप का था ना ये, ऐसे डिजाइन और ये फैन उसमें भी काफी नीचे लटके हुए थे। हाँ बहुत अच्छा था वो भी। हाँ। और ये भी काफी अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है और काफी हिस्टोरिकल लग रहा है, है शायद ये बिल्कुल। हाँ और ऊपर से भी कवर है भाई, बारिश वारिश भी आए तो टेंशन। हाँ और बड़ी रंग शांग इसके पेंट से बड़ा सेट किया हुआ। ओके सर, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो इसकी टिकट बुक की थी वो ऑनलाइन बुक की थी। कौन सी ऐप थी? राबता। राबता ऐप है रेलवे की, और ग्रीन लाइन की वहाँ से होती है, अदरवाइज पार्क रेल से बाकी सारी ट्रेन की हो जाती है। ग्रीन लाइन जरा प्रीमियम सी इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई है। ओके सर, राबता से ऑनलाइन टिकट बुक होती है, आप जैस कैश से पेमेंट कर सकते हो, रिफंड भी हो जाता है इजीली। तो अभी फिलहाल हम लोगों की ट्रेन पीछे आई भी है और 8:25 हो चुके हैं और 8:40 पे जो है वो डिपार्चर है। देखते हैं आज टाइम पे ट्रेन निकलती है कि नहीं। अभी ट्रेन चलने में है कोई 10-15 मिनट 20 मिनट बल्कि, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निम्को कोई बिस्किट टाइप चीजें ले लेते हैं। बिस्किट टाइप बिस्किट ही ले लो यार, बिस्किट ज्यादा देर चल सके वो वाली चीजें लेनी है। क्या ख्याल है भाईजान, क्या ख्याल है? निम्को ज्यादा सही रहती है सफर में, अपने लिए ठीक रहती है, बाकी पैसेंजर्स के लिए ठीक रहती है। अब तू भागेगा पीछे पीछे से सिमरन की तरह। हाँ। नहीं मैं वो देता हूँ, मैं वो नहीं। सिमरन ने चंगी प्रैक्टिस की थी, ये डाउ बड़ा होगा। ये प्रीमियम रेंज ट्रेन है मतलब पाकिस्तान ये की। है ग्रीन लाइन का एसी पार्लर कैबिन, जो पाकिस्तान रेलवे ने रिसेंटली चाइना से इंपोर्ट किया है। एसी पार्लर कैबिन के डोर्स ऑटोमेटिक हैं, देखने में बहुत खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है, एक वाइड फील है और दोनों तरफ आपको सोफा सीट्स मिल जाती हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं। अब जाहिर बात है हैदराबाद तक 14 घंटे का सफर है, सीट्स कंफर्टेबल तो होनी चाहिए। सीट्स की बैग पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। हम लोग बैठ चुके हैं और एग्जैक्टली 8:45 पे ये चल पड़ी है और यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे दो स्क्रीन्स हमें मिली हुई हैं जो कि हर सीट के साथ होती है। होम, इसमें क्या क्या होता है भाई, अंग्रेजी मूवी ओ तेरी परिजात ड्रामे आ गए। खैर ये तो सिर्फ परिजात पड़ा हुआ है और अच्छा 7 पेजेस हैं। अच्छा यहाँ पे इसमें ये अच्छा है कि भाई उर्दू का भी ऑप्शन है, इस तरह तिलावत ये सारी चीज़ें, तो आप पूरे सफ़र में इसमें से कोई भी चीज देख सकते हो। ट्रेन में बैठते ही आपको पाकिस्तान रेलवे की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम सा फूड बॉक्स दिया जाता है, जिसमें तकरीबन 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक में राइस, फिर दाल, चिकन, नान और गुलाब जामुन। खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, बट टेस्ट मुनासिब ही है। मुझे बता रहे हैं कि खाना यहाँ पे गर्म करवा सकते हैं, लेकिन अब मैंने खोल लिया था, भूख जरा भूखते नहीं, मतलब लालच हुआ खेला थे, मैं कह रहे हैं खाना खाना तो सही। और सीट भी टर्न हो जाती है, टर्न हो जाती है। मोड़े वाह, मोड़े मोड़े मोड़े, ओए यहाँ से ये उठाने पड़े, अटक गया भाई, उठाने के बाद फिर मुड़ेगी। पहले हम लोग बैठे थे सीधे दीवार की तरफ मुंह करके, अब हम लोगों ने सीटें दो, हमारी जो ये दो सीट थी इनको मोड़ लिया, मोड़ने के बाद ये दोनों खाली थी। अब मैं इस पे आ गया हूँ, टांगे सीधी हो चुकी हैं और बंटी इस तरफ है, इसकी टांगे इस तरफ से हो चुकी है, तो अब हमारे जो वो बेड बन चुके हैं और सामने टीवी का आने वाले, वो जब यूज करना होगा तो बंदा उस तरफ मुंह करे। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाया हुआ है और साथ ही स्विच बोर्ड है, आप अपनी कोई भी चीज चार्ज कर सकते हो। चाइनीज वाले बोर्ड लग रहे हैं, देख सकते हो। और नेक्स्ट स्टेशन जहाँ स्टॉप होने वाला है वो भी यहाँ पे आ रहा होता है। अभी हम लोग उठते हैं,
अंदर कितनी शांति थी ट्रेन में। क्या हाँ इस तरफ से भाई अभी हम लोग उठ के आए हैं किचन वाली साइड पे। यहाँ पीछे किचन है, किचन में क्या क्या होता है फास्ट फूड में? जिंगर बर्गर है, नगेट्स है, फ्राइज है, विंग्स है, ये यहाँ पे किचन है। और किचन के अंदर जो भी चीज आपने ऑर्डर करनी है ऑर्डर करो। कब तक मिलता है? रात को 12 बजे तक यार, एक बजे तक आप कोई भी चीज ऑर्डर करके यहाँ पे खा सकते हो। हम लोगों ने अपने बर्गर ऑर्डर किए थे वो आ चुके और ये है भाई बर्गर। वाह, सामने फ्रेश ट्रेन में बर्गर पिज्जा मिल जाए तो क्या ही बात है। जिंगर नहीं है, मतलब पेटी यूज की हुई है एक कंपनी की, और साथ में केचप और सिंपल एक बर्गर, बहुत ही सॉफ्ट मेयोनीज केचप और सिंपल एक पेटी है। गरम है लगता है भाई, और मैं गरम ऑयल था वो मेरी जुबान पे आया। सही है यार, अब रात के 12 बजे के ट्रेन में मिल रहा है एक बर्गर, एवरेज है लेकिन अच्छा लग रहा है। ट्रेन में एक माहौल अलग बना हुआ है। पहुंच गए क्या? रोहरी पहुंचे हैं। रोहरी पाकिस्तान में सारी ट्रेन ग्रीन कलर की होती है क्या? गुड मॉर्निंग, ग्रीन लाइन थी तो फ्रॉम रोड़ी स्टेशन पे। रात को इतनी केबिन के अंदर सर्दी थी कोच के अंदर कि वो कम भी नहीं कर रहे थे, और उस सर्दी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर ये बंटी की हुडी मैंने निकाल के पहनी तो मुझे कुछ सर्दी से थोड़ा सा वो हुआ और फिर नींद आई कुछ 4 बजे। और अभी क्या टाइम हुआ था? 7:45 हुए हैं। अभी रोड़ी जंक्शन पे आके ट्रेन रुकी है, कोई 20 मिनट का स्टॉप है। पीछे बहावलपुर वाले स्टॉप पे क्या हुआ यार? तू अपनी जुबानी जरा रोड़ी है, रोड़ी नहीं है। बहावलपुर का स्टेशन बड़ा खूबसूरत किस्म का, मैं ऐसे शॉर्ट्स सा उसका ले रहा हूँ कि रील बना उधर था स्टॉप 2 मिनट का। मैं चाय वाले से ना वो जब्बू मेटल फुल सी एग्जैक्टली ऐसे, मतलब आप समझो यहाँ पे चाय स्टॉल है ये इस तरह इधर मुंह करके खड़ा ऐसे, और वो कारी बाय गॉड ऐसे सांस बंद होगी और ये वो ऐसे। मैं चाय उससे ली है, उससे पूछ रहा हूँ मैं, कहता भाई वो ट्रेन चली गई आपकी। पीछे देखो 14 नंबर हमारी कोच थी, मैं चढ़ाऊँ पीछे जाके 10 नंबर। तो बहावलपुर स्टेशन पे जो है ना, मैं उस टाइम सो रहा था रात के कोई 1:30 बजे की बात है, 1:30-2 बजे की। तो वहाँ पे ये इसके साथ ये वाकया पेश आया। मैं मेरी आँख खुली ना, मुझे उस टाइम ये एकदम फील हुआ कि यार ट्रेन, हाँ ट्रेन चल रही है। फिर मैंने देखो ये किधर गया, इसे मैंने कॉल किया था, मैं चढ़ गया फलाने डब्बे में आता हूँ। फिर ये 10 मिनट बाद पहुँचा। खैर अभी बहुत खूबसूरत सी सुबह है और रोड़ी जंक्शन है, यहाँ पे चाय स्टॉल्स वगैरह हैं, लोग अपनी चाय चाय पी रहे हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं। इससे अगला स्टॉप हमारा होगा हैदराबाद। स्टेशन पे रुकने में बहुत मजा आता है, बार बार स्टेशन आते तो नीचे उतरो देखो आसपास, बहुत अच्छा लगता है। सही है, ट्रेन का सफर जिसने किया है उसको पता होगा। ये जंक्शन पे जब ट्रेन रुकती है तो यहाँ पे नाश्ते का सीन है। क्या क्या होता है नाश्ते में भाईजान? अच्छा, अंडा पराठा, चने पराठे, नान चने, यहाँ पे ये शामियों के साथ पराठे और साथ में चाय। चाय हम लोगों ने लेके वैसे पी है, उस टाइम मैं अंदर ही था और बंटी ले आया था, मैं नींद में था। ट्रेन बढ़ गई, ये देखो इस तरह से ना चल पड़ी है। अब ये इसकी बिल्कुल आवाज नहीं होती जब ये चलती है। ओए ओए, चल 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 चल। ट्रेन पे हम लोग वापस सवार हो चुके हैं और अगला स्टॉप भाई कौन सा हमारा? हैदराबाद। हैदराबाद से पीछे कहीं नहीं रुकेगी। ये ग्रीन लाइन की सबसे अच्छी बात यह है और ये टाइम भी इसीलिए काम लगाती है, टोटल 14-14.5 घंटे में ये लाहौर से हैदराबाद पहुँच जाती है। हम लोग 8:40 पे निकले थे तो इसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल इज कोई 11 बजे 11:40 बट हो सकता है 20-30 मिनट का फर्क पड़े। बस अभी निकल चुके हैं और इंशाल्लाह हैदराबाद। अब बाकी जो ट्रेन है ना वो हर स्टेशन पे आधे आधे घंटे का कोई स्टे करती है जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। राइट। बट ग्रीन लाइन की एक तो लाहौर से हैदराबाद तक टोटल स्टे है चार स्टे टोटल, और एक जगह 2 मिनट का है, बाकी जगह 20-20 मिनट के हैं, उसके अलावा कोई स्टे नहीं है। तो ये माहौल है और क्या खूबसूरत इस टाइम सीनरी स्टार्ट हो चुकी है। इधर हमने उतरना है हैदराबाद, वो सिर्फ 5 मिनट का है, बस उतरना है दौड़ के। स्पीड पट्टो भाजी, स्पीड पट्टो, ये मेरा ख्याल शक्कर है ना, मतलब ये शक्कर वाला एरिया सारा क्रॉस कर रहे हैं, मतलब सिंध में पहुंच गए। हाँ, ये अपन ने अभी शक्कर का, अभी हमने शक्कर का वीडियो देखा, उसमें बताया कि सिंध का गेटवे है, मतलब सिंध में वहां से एंटर होते, तो ये शायद सिंध में एंटर हो गए। बिल्कुल शक्कर आया तो कम हो रहे हैं, भी कम हो रहे हैं।
ये ट्रेन के सफर का ना अपना ही जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है ना, फ्लाइट से ज्यादा मजा आता है मेरे को तो ट्रेन में। हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो ट्रेन में जाओ। यही फूड टूर के लिए 2018 में, तो मुझे ना मैं कराची में किसी को जानता ना मुझे कोई कराची में जानता था, और मैं अकेला जिंदगी में पहली बार कराची गया, और जिंदगी में खुद मैंने पहली बार ट्रेन में वो सफर किया था। मुझे आज वो सारा सफर याद आ रहा है, और मैंने जितना भी ट्रेवल किया ट्रेन का वो वाहिद सफर है जो सबसे यादगार बनता है। और इसमें आपका मतलब आप लोगों से बड़ी अच्छी सलाम दो आपकी होती है जो ट्रेन में लोग होते हैं, क्योंकि सफर बहुत लंबा होती है। ऐसी ऐसी खाने को हाँ। कोई वैसे कह रहा है हाँ। जाते हैं कि भाई मेरा मोबाइल लगा जाते में ध्यान करना हाँ। आगे से आपने कहा नहीं कहा कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, चला गया चला गया कि ध्यान कर लेंगे। और ये ट्रेन के सफर में आपको मतलब रात गुजरती है, सुबह होती है, दिन होता है, इतना खूबसूरत सीन हुआ है, बहुत खूबसूरत सफर है ट्रेन का। अगर आपने कभी नहीं किया हुआ था एक बार लाजमी करना चाहिए। इसकी बेस्ट पार्ट यही है कि ये कम स्टेशन पे रुकती है। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल वाली ट्रेन जो होती है बहुत सारे स्टेशन पे रुकती है, तो वो बहुत टाइम लगा देती है। ये शक्कर के सब ये पेड़ दिख रहे हैं भाई, खजूर के पेड़। हाँ, अभी शक्कर का वीडियो ताजा ताजा ही देखा हमने, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है देखना। अच्छा, अभी सुबह 8 बजे हमें ट्रेन में नाश्ता मिला, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता होता है, जिसमें पराठा और अंडा था, साथ में चाय। क्या बात है। हम सोए 8 बजे, और अभी क्या टाइम हो गया, 11:55। अभी हम मेरी आँख खुली है, और बड़ा खूबसूरत बाइक जो है ना वो मौसम हुआ है, विंडो से बाहर बहुत अच्छा बनाए हुए, और हम हैदराबाद के कितना करीब है, ये देखो शक्ल इसकी जिस तरह पता नहीं नाश्ते में उन्होंने फीम डाल दी थी ऐसे है। इनका सही चिल लगा हुआ, देखो सीट उधर मोड़ ली उन्होंने, और बाहर देख रहे हैं इस तरह माहौल। वाह। तो अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 20 मिनट रहते हैं, 11:40 पे हमने पहुंचना था हैदराबाद। 20-25 मिनट का डिले, बड़ी नॉर्मल सी एक बात है ट्रेन के लिए, ये बल्कि अच्छी ट्रेन है कि 20-20 मिनट का डिले होना, तो बस 20-25 मिनट या आधा घंटा है मेरे ख्याल हमारे पहुँच। और बाय द वे सुबह नाश्ते के साथ हमें ये किट भी मिली है पाकिस्तान रेलवे की तरफ से, मतलब ग्रीन लाइन में, मुझे नहीं पता ये और किसी ट्रेन में मिलती है कि नहीं, मैं अपना ग्रीन लाइन का एक्सपीरियंस पूरा शेयर कर रहा हूँ, ग्रीन लाइन में ये मिली है। अच्छा भाई, तो पाकिस्तान रेलवे यू डिजर्व इट, असी एडे वडे चैंपियन वी डिजर्व इट। और बंटी साहब प्लीज़ इसको ज़रा डू दी ऑनर करिए, इसके अंदर क्या है। ये सुबह नाश्ते टाइम मिली थी और हमने खोली नहीं, इसमें है हमारे पास, अच्छा डेंटल किट आ गई, इसमें टूथपेस्ट और ब्रश होगा, उसके अलावा इसके अंदर आ गया हमारा कॉम कंघी, इंदे विच की है शेविंग किट। ओ काफी अच्छी सर्विस है, उन्होंने तुझे दिए आज चैलेंज है कि इससे भी शेव कर ले, छलांग मार दूंगा, 5,000 रुपया नकदी इनाम, इससे अभी शेव कर दे ट्रेन चलती हुई, 5,00,000 रुपया भी कर है, 5,00,000 रुपया भी कर। वाह, बच्चे देख रहे पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, वेलकम टू हैदराबाद, क्या हाल है जवान, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, क्या बात है। पहुंच चुके भाई हम लोग हैदराबाद, और हैदराबाद आते ही जवान ने हमें पिक कर लिया। हैदराबाद में तो भाई हवाएं चल रही हैं, बादल आए हुए, ये क्या सीन है इधर मौसम का भी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम होता है ऐसे कि मौसम इतना अच्छा हो। हाँ, अभी बहुत अच्छा हुआ है, मेरे जितने भी चक्कर लगे हैं हैदराबाद में ऐसा मौसम नहीं देखा मैंने। ओए, ये हैदराबाद रेलवे स्टेशन की छत इतनी ऊंची। हाँ, ओए होए होए, अंदर ही कबूतर फिर रही है, मुझे लगता है ये पुराने जमाने का बना हुआ है सारा, पुराने जमाने का बना हुआ है, काफी पुराना। वाह, काफी पुराना दिख रहा है भाई। स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था हमारा एसी पार्लर का, हमने पहली बार एसी पार्लर में ट्रेवल किया, सही। पहले हमने जो एसी बिजनेस होती है बर्थ वाली उसमें ट्रेवल किया था, हर चीज़ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है आपको, सही जो है ना वो बड़े बड़े सोफा सीट्स मिलती हैं, फिर इसके अलावा खाना रात को भी दिया उन्होंने, सुबह नाश्ता भी दिया, और साफ सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम, मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बट बर्थ ही होती है क्योंकि उस पर आप लेट के सो जाते हो, आपका एक मिनी बेड होता है वो, अदरवाइज मुझे अगर दोबारा ऑप्शन मिले तो एसी बिजनेस चूज करूंगा मैं, क्योंकि बर्थ होती है, लेट के कोई 6 घंटे की भी नींद आ जाए ना बंदा फ्रेश हो जाता है।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बर्थ में जो है, मैं यही सोच रहा था कि इनका इतना लंबा सफ़र है, 14 घंटे, इन्होंने शुरुआत में ही बता दिया था, और इस तरह की सीट हो सकता है वो रिक्लाइनर सीट भी हो, लेकिन जो लेटता है ना बंदा वो उसका अलग बात रहती है। उसकी बात अलग है। एक बंदा नींद जो निकाल लेता है ना बर्थ में, करवटें ले सकता है उसमें, तो वो वाली बात इधर नहीं आती है। तो ये कि इन्होंने एक्सपीरियंस के लिए किया होगा। बाकी जो बर्थ वाली सीट मेरे को भी ज़्यादा पसंद आती है लंबे सफ़र में स्पेशली। ये 4-5 घंटे के सफ़र के लिए ठीक है ये वाली सीट। हाँ, तो ये 14 घंटे का सफ़र था, तो इसमें बर्थ ही सही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इंसान सो जाता है कम्फर्टेबली। ये सीट मतलब कितनी आराम तल्फी क्यों ना हो, सीट सीट ही होती है भाई, और वो जो सोने के लिए होती जगह वो प्रॉपर वो सही होती है। चला गए बस बैठ के। मंटी तेरा क्या ख्याल है, तुझे दोबारा चूज करना हो इसी पार्लर करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस ही करूंगा, और पार्लर वालों के लिए ये है कि बड़ी अच्छी एग्जीक्यूटिव सीट्स होती हैं, और बाकी ये है कि लाजमी अपना कंफर्टर अपने साथ रखे, हुंजा वाली ठंड होती है मेन पॉइंट। अंदर ज्यादा खुआर हो रहे हैं, ओए होए होए, अंदर वो एसी कम नहीं करते हैं, वो बस एसी चल रहा है, ऐसे लगता है फ्रिज में बिठा बढ़ाते हैं, कम नहीं करते स्पेशली। ये बंटी की हुडी, मतलब ये इसने मुझे हुडी ना दी होती तो मैं मर गया सी रात, इतनी सर्दी थी। बर्थ में ये होता है कि अंधेरा हो जाता है, और जो है बेड मिल जाता है साथ में, आपको वो एक वो देते हैं चादर वगैरह, हाँ, और तकिया देते हैं, हाँ, सिर्फ 500 रुपया महंगी होती है वो पार्लर से। हाँ, ये वाला फर्क है, मतलब आप देख लो, अगर आपको वाइड फील चाहिए, जरा आजादी चाहिए, उसके अलावा सोफा सीट चाहिए, तो एसी पार्लर बहुत अच्छी है, और कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको एक सीट मिलती है। अच्छा भाई, एक और मेरा ट्रेन का जो यादगार जिंदगी का सफर है वो भी कभी स्टोरी सुनाऊंगा। 2019 या 20 की बात है, मैं 20 घंटे के लिए ट्रेन में फंस गया था। तो फिर अभी हम लोग हैदराबाद पहुंचे हैं बेसिकली फूड टूर के लिए, और इस वीडियो से आगे जो भी वीडियोस आ रही होंगी हैदराबाद से, वो सारी मेन चैनल पे होंगी। तो अगर आपने मेन चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हैदराबाद के जरा लीथल किस्म के खाने आपको वहाँ नजर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब। वीडियो भाई इधर ही एंड होता है। और ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस मुझे काफ़ी अच्छी लगी, चाइना से इन्होंने इंपोर्ट की है, और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, स्पेशली जो एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने चीज़ें दी हुई है कि भाई आप उसमें ड्रामा देख लो, या फिर कोई इस्लामिक बयान सुनना चाहते तो वो भी उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू की भी फैसिलिटी है उसमें। बिल्कुल, तो ये देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी मस्त मस्त चीज़ें हैं वहाँ पर, बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, जो बर्गर्स बॉयज खाते हैं शायद उनके लिए सब बढ़िया अच्छा, है खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन इनको जो टेस्ट है वो एवरेज लगा। बाकी फैसिलिटी सब है, खाने के लिए सब कुछ है, जो आपकी मर्जी हो आप खा सकते हो। बाकी ट्रेन में क्या है ना, ट्रेन में जो है ना हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाए ना तो बंदा उसी में खुश हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाई अपन रेस्टोरेंट में तो अपन गए नहीं कि भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे भाई बढ़िया ही चाहिए। अच्छा क्या होता है ना कि सफ़र जब लंबा होता है तो इंसान बोर होता है, तो खाने पीने में टाइम पास हो जाता है इंसान बिल्कुल। और दूसरा क्या, सीट जो गोल घूमने वाला सिस्टम था ना वो सही था, जो उनके साइड वाले बंदे ने जो करा था कि वो व्यू देख रहा था खिड़की में से, और वो सीट उधर घुमा ली थी उसने, वो बहुत तो अच्छा वो था। एक बहुत सही चीज लगी मुझे। बाकी ट्रेन का इंटीरियर भी बहुत अच्छा था, जबरदस्त था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ ये ट्रेन का इंटीरियर बहुत अच्छा था, बट 5-6 घंटे का सफर होना तो इस तरह का ठीक है, बाकी ये 14 घंटे का सफर था इनका, तो वो बर्थ जो होती है ना वो बर्थ ही होती है भाई, वहाँ पर लेट के जा सकते हैं 14 घंटे में, आप आराम से नींद निकाल सकते हैं, करवटे ले सकते हैं। इसमें यार एक रिक्लाइनर सीट भी होगी तो भी आपको ऐसे बस रहना पड़ेगा, प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा। आप देखेंगे कि उनको आराम चाहिए था तो उन्होंने आगे वाली सीट को फोर पूरा घुमाया, फिर वो पैर सीधे करने के लिए उनको वो उन्होंने करा एडजस्ट, लेकिन अगर वो होती तो वो उसमें तो आराम से आप ले सकते हो ना। तो ये वाली जो ट्रेनें हैं ना ये मेरे ख्याल से 5-6 घंटे के सफर के लिए सही है, लेकिन वो वाली भी है पाकिस्तान में, तो आप, मैं तो ये कहूँगा, आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो वाली लेटने वाली जो होती है बर्थ वाली वो उसमें जाओ। बाकी आप क्या चूज़ करते हो ये कमेंट करके बताना, और मेरे को इसके टिकट के प्राइस सबसे ज़्यादा रिजनेबल रह गए, क्योंकि यार 9000 कुछ बताए थे समथिंग इन्होंने, जो इंडिया की 3000 ही होते हैं, हाँ। और 14 घंटे का सफ़र था, उसके हिसाब से मेरे को बहुत ज़्यादा सस्ते लगे वो, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ उन्होंने कितनी दी यार, उन्होंने ब्रेकफास्ट में मतलब नाश्ते में पराठा अंडा भी दिया, और एक लंच बॉक्स भी दिया था उन्होंने, उसमें चिकन वगैरह सब अच्छी चीज़ें ही थी, मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाना दे दिया। और वो एंड में जो एक पैकेट दिया था जिसमें ब्रश वगैरह था मॉर्निंग के लिए, बिल्कुल तो पैसा वसूल तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी लंबे सफ़र के लिए तो मैं वो लेटने वाली जो बर्थ होती है ना वो ही प्रेफर करता हूँ। बाकी हाँ ये ट्रेन भी कम नहीं थी, फैसिलिटी वाइज बहुत सही थी। बाकी आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा आज का रिक्शा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।